नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं मनोज तिवारी। आज हम नगर पंचायत बैरिया में पहुंचे हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का हाईकोर्ट फैसला आने के बाद से ये ट्रिपल टी फार्मूला लोगों के जेहन में बार बार चर्चा का विषय बना हुआ है कि ट्रिपल टी फार्मूला है क्या। आज हमारे साथ बात करने के लिए नीलम देवी PG कॉलेज के प्राध्यापक हरिकंचन सिंह जी हैं, साथ में प्रबुद्ध वर्ग जिला संयोजक जो है शिक्षक भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। आइए हम जानते हैं इनसे। जी हरिकंचन जी, ये हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद से लोगों के दिमाग में बस जो है ट्रिपल टी फार्मूला का मतलब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ट्रिपल टी फार्मूला है क्या? देखिए, ट्रिपल टी फार्मूला माननीय सर्वोच्च न्यायालय 4 मार्च 2021 को कृष्ण राव गोविल महाराष्ट्र अन्य के विवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। इसमें ट्रिपल टेस्ट फार्मूला दिया गया। ट्रिपल टेस्ट में पहला ये है कि एक डेडिकेटेड आयोग बने, जो आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति को जांच करते हुए उनको समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा ये है कि किसी भी हाल में 27% से ज़्यादा आरक्षण न दिया जाए। और तीसरा 1993 का जो फार्मूला है इंदिरा साहनी बनाम अन्य सरकार का, कि उसमें आरक्षण 50% से ज़्यादा किसी भी स्थिति में न दिया जाए। ये ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला है। आज के संदर्भ में एक कौतूहल का ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला बना हुआ है, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि अभी तक जो यूपी में जो सुप्रीम हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, जो पूज्य योगी जी की सरकार ने किया है, उसमें रैपिड सर्वे के आधार पर यह हुआ है, जिसको हाई कोर्ट ने नकार दिया है और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर फार्मूला तय करने को बोला है। जी, एक तरफ आपके मतलब विपक्ष जो है आपके सरकार को घेर रही है कि मतलब जो है आरक्षण खत्म कर दे रही है, आरक्षण विरोधी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप विपक्ष के सरकार को अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। यही सत्ता की सरकार जो आरोप लगा रही है, जो सामाजिक न्याय समिति की आरोप है, उसको ये सपा के लोगों ने टालने का काम किया था। और हम लोगों ने सबसे पहले आरक्षण के 27% दिया जाए, इसने एक आयोग का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका हम लोगों ने हमारी सरकार ने दायर की है। इतना ही नहीं, सपा के लोगों ने जब SC ST के प्रमोशन में आरक्षण का बिल जमा हो रहा था, उसमें तत्कालीन राज्यसभा सांसद नीरज शेखर जी ने प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ने का काम किया। हम लोगों ने SC ST और OBC को सबको एक तराजू पर, सबको एक, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पर चलने का नारा रखते हैं। हम लोगों ने भी हाल के क्रम में दलित आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भी हम लोग ST समुदाय से राष्ट्रपति बनाने का काम किया है और भारत के सर्वोच्च पद पर उन्हें बैठाने का काम किया है। ये विपक्ष का आरोप अनर्गल, निराधार और बेबुनियाद है। हम लोग हमेशा से आरक्षण का पक्षधर रहे हैं और हर हाल में हमारी सरकार 27% आरक्षण अन्य जातियों को OBC को देने का काम करेगी, उनमें चिन्हित करने का काम करेगी कि कौन सी जातियां राजनीतिक रूप से समृद्ध हो चुकी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।